बच्चों वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और लास्ट लेक्चर जो था एक्सरसाइज 3.2 मैंने आपको कंप्लीट करवाया था और उसमें हमने आपको समझाया था कि प्राइम फैक्टराइजेशन राइट। तो प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे हम निकालते हैं ये भी मैंने आपको समझाया था। अगर आपने वीडियोज नहीं देखा है तो चैनल पर विजिट करके प्ले लिस्ट सेक्शन में जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपने देख रखे तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए आज हम कवर करने वाले हैं राइट एक्सरसाइज 3.3 को कवर करेंगे और हम उसमें समझेंगे कि HCF क्या होता है। अगर आपसे पूछा जाता है HCF का फुल फॉर्म क्या होगा तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके अच्छा, अब देखो हमें क्या करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF क्या होता है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ टू या मोर नंबर्स इज द ग्रेटेस्ट देयर कॉमन फैक्टर। यानी मान लो हमारे पास कोई ए है या बी है, ए बी दो नंबर्स है, इसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा ना वो हमारा क्या होता है, HCF होता है। क्या होता है? HCF होता है। बात समझ में आया? अच्छा तो अब देखो इनका क्या है बच्चों, प्रॉपर्टीज है। अभी हम क्वेश्चन भी करके आपको दिखाएंगे। चलिए इनकी पहले कुछ प्रॉपर्टीज है, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। देखो प्रॉपर्टीज ऑफ HCF, ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। द HCF ऑफ टू या मोर नंबर एग्जैक्टली डिवाइड द नंबर्स। यानी जैसे ए और बी का अगर हम HCF निकालते हैं ना, तो जो HCF आएगा वो दोनों नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने 4 ले लिया और 6 लिया, दो नंबर ले लिया छोटा सा 4 और 6, तो इसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ रहा है वो क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, देखो 1 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है 4 से, और 6 क्या होगा, 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 3 से होगा और 6 से होगा। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो 2 यानी 4 और 6 का जो HCF होगा वो 2 होगा, और 2 क्या होगा, 4 को भी डिवाइड कर देगा और 6 को भी डिवाइड कर देगा। एग्जैक्टली वही यहां पे कह रहा है, एग्जैक्टली डिवाइड द नंबर्स। क्लियर? ओके नाउ द सेकेंड देखो कह रहा है, द HCF ऑफ गिवेन नंबर कैन नॉट बी ग्रेटर देन द नंबर देमसेल्फ। यानी जो HCF होता है ना किसी भी दो नंबर का या दो से ज्यादा नंबर का, जैसे 4 और 6 का जो HCF होगा ना हमेशा इससे छोटा ही होगा, है ना। कैन नॉट बी ग्रेटर देन दैट नंबर, यानी नंबर से बड़ा नहीं हो सकता, इससे छोटा ही होगा, या एग्जैक्टली हो सकता है लेकिन इससे बड़ा नहीं होगा, ये आप ध्यान रखना। ठीक है अच्छा, उसके बाद क्या कह रहे हैं, देखो इफ वन नंबर इज अ फैक्टर ऑफ अनदर नंबर देन स्मॉलर देन द HCF, सो द टू नंबर ऑफ एग्जांपल फॉर 9 एंड 27, 9 इज अ फैक्टर ऑफ दैट, सो इतना, यानी इक्वल्स हो सकता है, उसी के एग्जांपल पे आपको दिया हुआ है। अच्छा नेक्स्ट कह रहे हैं कि द HCF ऑफ टू नंबर इज 1, दो नंबर का अगर HCF 1 होता है ना तो उसे हम लोग को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर्स, या को प्राइम्स भी कह सकते हैं। समझ में आया? अगर मान लो हमारे पास ए और बी, ए कोई नंबर है बी कोई नंबर है, अगर हम इसका HCF 1 निकालते हैं या 1 आता है तब हम उसे क्या कहेंगे, को प्राइम नंबर्स बोल देंगे या को प्राइम्स बोल देंगे। जैसे अगर आप ध्यान से देखेंगे 16 है और 25 है, तो 16 और 25 का जब HCF निकालोगे तो 1 आएगा, और जब 1 आता है तो हम इसको कहते हैं 16 और 25 क्या है, को प्राइम नंबर्स है। क्या है? को प्राइम नंबर्स। तो ये बात समझ में आया? अच्छा नेक्स्ट देखिए, कॉन्जिक्यूटिव करे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम नंबर। यानी जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर है वो हमेशा प्राइम नंबर्स होता है राइट, ऑलवेज को प्राइम नंबर्स होता है। लेट्स सी, जैसे देखो 3 है और 4 है, तो 3 और 4 का अगर आप HCF निकालोगे ना तो इसका HCF जो है वो 1 ही आएगा। और हमने अभी आपको समझाया है जिस भी दो नंबर का HCF 1 आता है ना वो हमारा क्या होता है, को प्राइम नंबर्स होता है। क्लियर हुआ? तो को प्राइम नंबर्स आपको समझ में आ गया। चलिए अब देखते हैं अंडरस्टैंडिंग HCF, कैसे HCF निकालते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 7 में आपको दिया हुआ है, फाइंड द HCF ऑफ 12 एंड 18। तो 12 और 18 का क्या करना है बच्चों, हमें HCF निकालना है राइट। तो कैसे निकालोगे, तो हमें क्या करना है, पहले 12 का फैक्टर। तो देखो 12 का फैक्टर अभी हमने आपको बताया है
कि फैक्टर होता है कैसे, पहले मैंने समझा, तो जिससे वो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है, 12 वन से डिवाइड हो जा रहा है, 2 से भी हो रहा है, 3 से हो रहा है, 4 से हो रहा है, 6 से हो रहा है और 12 से भी हो रहा है। अब 18 के फैक्टर लिखना है हमें, तो 18 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 18 वन से भी डिवाइड हो रहा है, 2 से भी हो रहा है, 3 से हो रहा है, 6 से हो रहा है, 9 से हो रहा है और 18 से हो रहा है। तो ये हमने क्या लिख दिया, इसका फैक्टर लिख दिया, यानी 12 किस किस नंबर से डिवाइड हो रहा है, 18 किस किस नंबर से डिवाइड हो रहा है, राइट। अच्छा, अब आप इसमें ध्यान से देखें कि हमें इसमें कॉमन क्या क्या आ रहा है। तो देखो, कॉमन की अगर बात करूं बच्चों, तो 1 आ रहा है कॉमन, 2 आ रहा है कॉमन, 3 आ रहा है कॉमन, 6 आ रहा है कॉमन, राइट। इसके बाद कोई नंबर नहीं आ रहा है। तो जो हाइएस्ट, एच फोर हाइएस्ट, सी फोर कॉमन, एच फोर एफ फोर फैक्टर, तो हाइएस्ट कॉमन फैक्टर क्या, हाइएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, सबसे बड़ा फैक्टर क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, तो 6 क्या होगा, हमारा आंसर आ जाएगा। बात समझ में आया। तो जो दो नंबर दिया जाए या दो से ज्यादा नंबर दिया जाता है तो उसका हमें फैक्टर लिखना पड़ता है, और फैक्टर लिखने के बाद हमें देखते हैं कि सबसे बड़ा फैक्टर कौन है, सबसे कॉमन बड़ा फैक्टर बताना है ना। तो सबसे कॉमन बड़ा फैक्टर क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, तो 6 क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हमने आपको क्या समझाया था कि हमें दो नंबर दिया जा रहा था, उसमें कहने रहा था कि किसी भी मेथड से कीजिए, हमने फैक्टर मेथड से कर दिया। अब आपको फैक्टर कैसे निकालोगे वो देखो। अब यहाँ पे कह रहा है कि फाइंड द एचसीएफ, राइट, 8, 16, 20 बाय द फैक्टर मैथड। तो देखो, फैक्टर मेथड अभी मैंने आपको जो समझाया था वो फैक्टर मेथड ही था। जैसे हमने 8 का फैक्टर लिखा, राइट, तो 8 का फैक्टर देखो 1 से डिवाइड हो रहा है, 2 से भी हो रहा है, 4 से भी हो रहा है, 8 से हो रहा है, तो ये इसका फैक्टर हो गया, ठीक है। अच्छा, 16 का फैक्टर देखो 1 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और 16 हो गया। अच्छा, 20 का फैक्टर 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, 10 है, 20 है, तो इससे इसका फैक्टर हो गया। फैक्टर निकालते कैसे हैं, आप चाहो तो ऐसे भी देख सकते हो, 1 × 8 हमने निकाल दिया, 2 × 2, ये इसका 8 का फैक्टर हो जाएगा, ये 16 का फैक्टर हो जाएगा, ये 20 का फैक्टर हो जाएगा, है ना। तो आप इस हिसाब से भी इसका फैक्टर कर सकते हो, पहले 1 से फिर 2 से, है ना, उसके बाद इससे, ठीक है। तो ये इसके फैक्टर बन जाएगा, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखिए कॉमन क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, तो 4 क्या हो रहा है, 4 जो है एच फोर हाइएस्ट, सी फोर कॉमन और एफ फोर फैक्टर, तो हाइएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, तो 4 इज द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। यानी आप ये कह सकते हैं कि 8, 16 एंड 20 का जो एचसीएफ आया वो क्या आ गया, 4 आ गया, ठीक है। तो ये तो हमने सीखा फैक्टर मेथड से, ठीक है। तो अब देखते हैं प्राइम फैक्टर मेथड से कैसे आप निकालेंगे किसी भी नंबर का, है ना। तो देखो, प्राइम नंबर आपको पहले निकालना पड़ेगा। जैसे देखो बच्चों, 18 है, 18 का प्राइम नंबर्स क्या बन रहा है, आप चाहो तो ऐसे भी निकाल सकते हो, जो एलसीएम वाला आपने सीखा है, इस अगर इसमें आपको दिक्कत होता है तो आप ऐसे निकाल लीजिए, है ना। तो देखो, इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं, देखो ये इसके प्राइम फैक्टर हो गए। 27 का आप ऐसे भी निकाल सकते हो, है ना, 9 × 27 इस तरीके से आप निकाल सकते हो। 33 का आप ऐसे निकाल सकते हो, राइट, तो ये इसका प्राइम फैक्टर आ गया। आप देखो इसी तरीके से लिखा है कि नहीं, 18 का क्या है, ये फैक्टर्स हो गए प्राइम फैक्टर्स, 27 का ये प्राइम फैक्टर्स हो गए, 33 का ये प्राइम फैक्टर्स हो गए, ठीक है। तो हमने प्राइम फैक्टर तो लिख दिया, आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो अगर आपको अच्छे से समझ में आ जा रहा है तो, या ऐसे भी लिख सकते हो, या दोनों में से कोई भी मेथड आप लिख सकते हो, दोनों मेथड नहीं लिखना है ना, कोई एक मेथड लिखो जो आपको अच्छे से समझ में आ जाता है, ठीक है। तो अब आप इसमें देखें कि सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, तो एच फोर हाईएस्ट, सी फोर कॉमन, एफ फोर फैक्टर, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, तो इसका क्या होगा, एचसीएफ 3 आ जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा। तो अब आपने क्या सीखा, प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से किसी भी दो नंबर का या दो से ज्यादा नंबर का एचसीएफ आप कैसे फाइंड आउट करोगे, राइट, क्लियर समझ में आ गया। और फैक्टर मेथड से कैसे एचसीएफ फाइंड आउट करोगे ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया। चलिए अब लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैसे एचसीएफ निकालते हैं, मेथड से कैसे आप एचसीएफ फाइंड आउट करोगे। तो एग्जांपल नंबर 10 है, फाइंड द एचसीएफ 35, 49 बाय द लॉन्ग डिवीजन मेथड, राइट, लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो अभी हमने दो मेथड सीख चुके, फैक्टर मेथड सीखे हैं,
प्राइम फैक्टर मेथड सीखे हैं, अब हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैसे निकालेंगे। तो देखो लॉन्ग डिवीजन मेथड में दो चीज को ध्यान रखना है, पहले देखना है कि सबसे बड़ा नंबर्स कौन है। तो इस दोनों में बड़ा नंबर्स ये है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बिगर नंबर हो गया। तो इसमें हम क्या करेंगे, स्मॉलर नंबर से डिवाइड करेंगे। बिगर नंबर में स्मॉलर नंबर से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, और तब तक इसको डिवाइड करते रहते हैं जब तक कि इसका रिमाइंडर जीरो नहीं आ जाए। तो लेट्स सी, तो देखो ये स्मॉलर नंबर है, ये बड़ा नंबर है, तो इससे हमने डिवाइड किया, तो अब जो रिमाइंडर आता है ना वो हमारा डिवाइडर बन जा, ये जो डिवाइजर बन जाता है, और जो ये नंबर होता है वो हमारा डिवाइडेंड बन जाता है। सेम प्रोसेस हम ये लिखेंगे, फिर ये वाला आ जाएगा, इस तरीके से चलता रहेगा, ठीक है। तो ये आपको आ गया समझ में। तो देखो 35 और 49 का जो HCF है लास्ट में जिससे डिवाइड हो जाता है ना एग्जैक्टली, वो हमारा HCF होता है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है और इसी को ध्यान में रख करके आपको कैलकुलेशंस करना है। तो दो बात आपको ध्यान रखनी, पहले कि आपको देखना है कि बड़ा नंबर कौन है, ठीक है ये पता चल गया। जब बड़ा नंबर पता चल जाता है तो छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं, और जो रिमाइंडर आता है ना उसको इसमें फिर से हम डिवाइड करते हैं, फिर जो रिमाइंडर आता है उसको इससे डिवाइड करते हैं, फिर जो रिमाइंडर आता है उसको इससे डिवाइड करते हैं। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा कब तक, जब तक कि आपको रिमाइंडर जीरो नहीं आ जाए, और लास्ट में जब जीरो आता है तो वो हमारा HCF बनता है। क्या बनता है, HCF बनता है। तो समझ आया, तो देखो यहाँ पे 35 और 49 का जो HCF है वो क्या आ गया, 7 आ गया। देखो 7 से एग्जैक्टली कटा है ना, तो ये हमारा 7 आ गया। तो आई होप आपको HCF का ये तीनों मेथड आपको क्लियर समझ में आ गया। अच्छा तो अब इसी के बेस पे बच्चों आपको दिया हुआ है एक्सरसाइज 3.3 और आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपने जो सीखा है उसका आप यूटिलाइज करें। सो ए में देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द HCF बाय फाइंडिंग ऑल द फैक्टर। तो पहले आपको क्या करना है, जैसे ए फर्स्ट में दे रखा है 15 और 30, तो 15 और 30 का पहले आपको फैक्टर निकालना पड़ेगा, और फैक्टर निकालने के बाद आपको चेक करना पड़ेगा कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, और जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा वो आपका HCF होगा, राइट। तो देखो बच्चों टाइम बचाने के लिए मैंने ये सारे फैक्टर कर रखे हैं, जिससे कि आपको अच्छे से कम समय में ज्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करा पाऊं, है ना, और आपका टाइम को सेव कर पाऊं, है ना। सो हेयर इज दैट, देखो फैक्टर ऑफ 15 मैंने लिखा 1 से, ये तो बहुत इजी है, आप इसे आसानी से निकाल भी सकते हैं, राइट। फिर मैंने यहां पे लिख दिया है 1, 3, 5 और 15 है इसका फैक्टर, राइट। और 30 का फैक्टर आपको 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 और 30 है। अब इसमें हमें ये देखना है कि कॉमन क्या क्या है। तो कॉमन देखो 1 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है और 15 भी आ रहा है। तो 15 क्या हो रहा है बच्चों, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ रहा है। तो मैंने लिखा HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा 15। तो 15 क्या होगा हमारा, HCF होगा 15 और 30 का, क्लियर। चलिए अब इसका सेकंड क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, 24, 32, 56 है। तो 24 का हम पहले प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो देखो हमने प्राइम फैक्टर नहीं बच्चों, फैक्टर निकालना है। तो फैक्टर क्या होता है, जिससे वो नंबर एग्जैक्टली डिवाइड हो जा रहा है। तो 24 1 से भी डिवाइड हो जा रहा है, 2 से भी हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, 4 से भी हो रहा है, 6 से भी, 8, 12 एंड 24 से। फिर 32 का फैक्टर 1 से, 2 से, 4 से, 8 से भी हो रहा है डिवाइड, 16 से, 32 से। अब 56 का फैक्टर लिख दिया मैंने 1, 2, 4, 7, 8, 14 28, 56, राइट। तो तीनों नंबर का हमने फैक्टर लिख दिया। अब हमें क्या लिखना है, कॉमन लिखना है। तो देखो पहले तो 1 कॉमन है सभी में, फिर 2 भी कॉमन है बच्चों लिख दिया, 3 देखो इसमें कहीं नहीं है, इसमें भी कहीं नहीं है, ठीक है, 4 इसमें है, इसमें है, तो हम 4 कॉमन लिख देंगे, ठीक है, 6 देखो कॉमन है इसमें, कहीं 6 नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, 8 इसमें है, इसमें भी है, तो 8 कॉमन लिख देंगे, ठीक है, 12 कॉमन है, इसमें भी नहीं है 12, इसमें भी 12 नहीं है, 24 इसमें भी है नहीं है, किसी में भी नहीं है। तो जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दिख रहा है ना बच्चों, वो हमें क्या दिख रहा है, 8 दिख रहा है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ गया, 8 आ गया। तो 8 क्या होगा हमारा, HCF होगा। 24, 32 और 56 का जो HCF आएगा ना बच्चों, वो क्या निकल के आ जाएगा हमारा, 8 आ जाएगा। तो ये चीजें आपको क्या करना है,
ध्यान में रखना है, ठीक है। अच्छा अब चलिए थ्री थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या रहा है, 27 और 54। तो 27 का हमें प्राइम फैक्टर निकालना पड़े, प्राइम नहीं फैक्टर, बार बार बच्चों प्राइम कहा जा रहा है ना, फैक्टर निकालना है मुझे। तो देखो 1 है इसका फैक्टर, 3 है, 9 है, 27 है। 54 का फैक्टर 1 है, 2 है, 3 है, 6, 9, 18, 27 एंड 54। अब कॉमन देखिए, तो देखो 1 है इसके बीच में कॉमन, 3 है कॉमन, राइट, और 9 है कॉमन और 27 है कॉमन। तो आप यहां पे ध्यान से देखेंगे तो हाईएस्ट क्या आ रहा है, 27 ही आ रहा है। तो जो HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, 27 होगा, और ये आपका क्या निकल के आ जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा। अच्छा अब चलिए देखते हैं फोर नंबर में क्या है, 64, 74 और 84। तो पहले आप क्या करोगे, 64 का फैक्टर लिखोगे, तो ये मैंने फैक्टर लिख दिया, 74 का ये मैंने फैक्टर लिख दिया, 84 का ये मैंने फैक्टर लिखा। अब हमें कॉमन पिक करना है, तो कॉमन देखो 1 है, 2 है, देखो 3 इसमें कहीं नहीं है, ठीक है, 8 इस सभी में किसी में नहीं है, 16 इसमें भी कहीं नहीं है, ठीक है, 32 किसी में नहीं है, 64 किसी में भी नहीं है। तो हमें यहाँ जो दिख पा रहा है वो ये दिख रहा है 1 और 2, राइट। क्या दिख रहा है इसमें, 1 दिख रहा है हमें, 2 दिख रहा है, राइट। उसके बाद तो इसमें कुछ बच्चों हमें दिख ही नहीं रहा है ना, 1, 2, 37 और 74 आ रहा है, तो 1 और 2। तो हाईएस्ट जो कॉमन दिख रहा है हमें वो 2 ही दिख रहा है, जो तीनों में है ना। तो ये ध्यान रखना है बच्चों, ये नहीं कि दो में कंपेयर करना है, तीनों में कॉमन आने चाहिए, है ना। तीन नंबर है तो तीन में कॉमन आएगा, दो आएगा तो दो में कॉमन आएगा, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आ गया, 2। तो ये आपका क्या रिजल्ट आ जाएगा, 2 आ जाएगा, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो 2 आ रहा है ना, तो 2 आपका क्या निकल के आ जाएगा, HCF निकल के आ जाएगा, क्लियर। चलो तो ये क्वेश्चंस आपको फोर क्वेश्चन क्लियर हो गए। अच्छा इससे आगे भी दे रखे हैं बच्चों, इसमें कई सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है। 5 में 28 दिया हुआ है, 36 दिया हुआ है। तो 28 का अगर आप फैक्टर लिखते हो तो ये मैंने लिख दिया है 14, 28, राइट, और 36 का फैक्टर लिख दिया। अब कॉमन इसमें से लिखिए, तो कॉमन 1 है, 2 है, उसके बाद 4 है, ठीक है, उसके बाद 7 है नहीं, 14 नहीं है, 28 भी नहीं है, तो 1, 2, 4 यानी हाईएस्ट जो है वो 4 आ रहा है। तो HCF क्या निकल के आ जाएगा, 4 निकल के आ जाएगा। SF क्या निकल के आ जाएगा बच्चों, 4 निकल के आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में देख लेते हैं कि क्या है। 20, 50 और 90 दिया हुआ है, क्या है, 20, 50 और 90। तो 20 का पहले फैक्टर लिखिए, तो ये मैंने 20 का फैक्टर लिख दिया, ये मैंने 50 का फैक्टर लिख दिया, और ये मैंने 90 का फैक्टर लिख दिया। अब हमें क्या करना है, कॉमन फैक्टर लिखना है। तो कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1, 2, 4 देखो है किसी में, इसमें भी नहीं है, 5 इसमें है, इसमें भी है, तो 5 लिख दिया हमने, 10 इसमें भी है, 10 इसमें भी है, तो 10 लिख देंगे हम, 20 किसी में भी, इसमें भी नहीं है, इसमें नहीं। तो देखो आपको 10 हाईएस्ट आ रहा है ना, 10 इज द हाईएस्ट, तो HCF, तो HCF कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, यानी 20, 50 और 90 का जो HCF निकल के आएगा ना बच्चों, वो क्या निकल के आ जाएगा, आपका 10 निकल के आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में 36 दे रखा है, 48 दे रखा है और 96 दिया हुआ है। तो पहले हमें क्या करना है, फैक्टर लिखना है 36 का, तो ये मैंने फैक्टर लिख दिया है, 48 का फैक्टर लिख दिया है, 96 का फैक्टर लिख दिया। अब हमें कॉमन फैक्टर ढूंढना है दोनों में। देखो 1 तो है ही, 2 भी है, 3 है, 4 है, 6 भी है, अच्छा उसके बाद 9 इसमें किसी में भी नहीं है, अच्छा 12 देखो, 12 इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी है, तो 12 लिख देंगे, 18 देखो, 18 इसमें भी नहीं है, राइट, 36 इसमें भी नहीं है, तो हाईएस्ट जो है ना आपका 12 ही आ रहा है। तो जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा वो 12 आ जाएगा, ठीक है, तो 12 इज द करेक्ट आंसर। अच्छा अब चलिए 8 वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं, 8 में क्या कह रहा है। 45 है, 65 है और 75 है। तो 45
65 और 75 का पहले आप फैक्टर निकालो, तो देखो हमने 45 का फैक्टर लिख दिया है, 65 का फैक्टर लिखा है और 75 का फैक्टर लिखा है। अब कॉमन निकालना है, तो देखो 1 दोनों में है, उसके बाद देखो 5 सभी में है, 3 इसमें है बट इसमें नहीं है, तो 5 तीनों में है तो हम तीनों का लेंगे। उसके बाद देखो बच्चों क्या है, 15 9 इसमें भी नहीं है, 15 इसमें भी नहीं है, अच्छा इसमें 15 है इसमें नहीं है बट इसमें भी नहीं है ना, तो नहीं आएगा ना, तो हाईएस्ट कॉमन 5 ही निकल के आ जाएगा। तो जो एचसीएफ निकल के आएगा बच्चों इसका, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या निकल के आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो एक चीज आपको ध्यान रखना है, जब भी आप कॉमन देखेंगे ना बच्चों, तो अगर आपको दो नंबर है तो दो में कॉमन देखेंगे, तीन है तो तीन में देखेंगे, इवन अगर फोर होता तो फोर में देखना पड़ता है ना, तो ये चीजों को आपको ध्यान रखना है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, 31 दे रखा है, 37 दे रखा है और 33 दे रखा है। तो हमें क्या करना है बच्चों, इनका पहले प्राइम फैक्टर बार बार कहा जा रहा है ना, फैक्टर निकालना है हमें, है ना। तो फैक्टर कैसे होगा, तो किस किस नंबर से डिवाइड होता है, तो ये 1 से डिवाइड हो जाएगा और 31 से डिवाइड होगा, ठीक है। इसका 37 ये भी प्राइम नंबर है तो दो ही फैक्टर होगा, और ये आपको 1, 3, 11 और 33। तो कॉमन फैक्टर इसमें क्या दिख रहा है आपको, कुछ नहीं दिख रहा है क्या, 1 ही दिख रहा है, तो 1 ही हो गया। देखो बाकी इसमें तो क्या है, ये आपको तीनों जो है आपको लगभग प्राइम नंबर, ये दोनों तो प्राइम नंबर ही है और ये आपको प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर है, ठीक है। तो सभी में जो कॉमन 1 आ रहा है, तो इसका जो एचसीएफ होगा ना ये 1 आएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1 आएगा। आप चाहो तो करके देख लेना, किसी और मेथड से करके देख लेना, रिजल्ट यही आएगा। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, देखो 99 है और 33 है, तो इसका वही फैक्टर लिखना है। तो 90 का मैंने 99 का फैक्टर लिख दिया, 33 का फैक्टर लिख दिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसमें कॉमन फैक्टर ढूंढना है। तो देखो एक तो 1 है बच्चों, फिर 3 है, फिर 9 नहीं है 11 है, फिर 33 है, ठीक है। तो हाईएस्ट तो ये है ना 33, तो इसका जो एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा वो 33 आएगा। तो दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन के 10 पार्ट्स दे रखे थे आपको, 10 पार्ट्स अच्छे से समझ में आ गया। चलिए अब इनका जो सेकेंड है वो हम देख लेते हैं। देखो सेकेंड में यानी बी में क्या कह रहा है, फाइंड द एचसीएफ बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड्स। तो अब हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें एचसीएफ निकालना। तो देखो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे निकालोगे, प्राइम नंबर से, तो ये भी बहुत इजी है बच्चों, मैंने भी आपको समझाया था। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर से पहले हम डिवाइड करते हैं, तो 5 आ गया। अब अगर इससे डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब इसमें देखो 2 से डिवाइड करो, सबसे छोटा प्राइम नंबर तो 2 है, तो ये 8 आ जाएगा। अब फिर 2 से ही डिवाइड होगा तो ये 4 आ जाएगा, फिर ये 2 से ही डिवाइड होगा तो 2 आ जाएगा, फिर ये 2 से डिवाइड होगा तो 1 आएगा। तो अब आप इसमें देखें कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या हाईएस्ट कॉमन प्राइम नंबर क्या आ रहा है। तो देखो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 5 है 5 लेकिन इसमें किसी में है नहीं, तो इसका जो आंसर आएगा ना बच्चों वो 2 ही आएगा, ठीक है। कि क्यों, क्योंकि हाईएस्ट जो कॉमन प्राइम नंबर है ना वो 2 है, हाईएस्ट कॉमन प्राइम नंबर जो है वो 2 है, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, बात समझ आया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन इसका जो है क्वेश्चन नंबर सेकंड्स में देखो क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन सेकंड में दे रखा है आपको 15 दे रखा है और 45 दे रखा है। तो 15 का हमें क्या करना है, पहले प्राइम फैक्टर निकालना है। तो देखो ये 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, तो 3 से लगाओ तो ये 5 आ जाएगा, फिर इसको 5 से लगाओगे तो ये 1 आ जाएगा, फिर ये 3 से ही कटेगा तो 15 आ जाएगा, फिर ये 3 से कटेगा तो 5 आ जाएगा, फिर ये 5 से कट जाएगा, ठीक है। तो अब यहां पे देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की अगर मैं बात करूं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है ना, हाईएस्ट कॉमन इसमें अगर आपको देखना है प्राइम नंबर ना, तो प्राइम नंबर आप देखो क्या आ रहा है। तो एक तो देखो बच्चों आपको ये 3 आ रहा है, इसमें भी 3 है, ठीक है, इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है। तो आप यहां लिखेंगे 3 into 5, क्या लिखेंगे 3 into 5,
तो देखो दो कॉमन आ रहा है ना, थ्री भी कॉमन आ रहा है प्राइम नंबर्स और फाइव भी आ रहा है, तो थ्री फाइव जा 15 हो गए, तो 15 क्या हो जाएगा आपका एचसीएफ आ जाएगा। क्या हो जाएगा 15 जो है आपका एचसीएफ आ जाएगा, 15 और 45 राइट, 45 का जो एचसीएफ आएगा वो आपका 15 आ जाएगा। क्लियर आया समझ में? तो इसमें आपको ये चीज ध्यान देखना है। अभी बी में हमने ए में क्या बताया था कि दोनों में देखना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बट यहाँ पे प्राइम नंबर है ना, तो जो भी प्राइम नंबर दोनों में सेम आ रहा है उसको हम लिखेंगे और फिर उसको मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आएगा ना वो रिजल्ट लिखेंगे। क्लियर? चलिए आगे बढ़े क्या, चलो अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर थ्री में देखिए आपको दिया है 27 और 30, तो 27 और 30 का हम क्या करेंगे प्राइम फैक्टर लिखेंगे और उसका फिर एचसीएफ निकालेंगे। तो ये 3 से ही होगा, 9 3 27, फिर ये 3 से होगा तो ये बन जाएगा 3, ठीक है। अब इसको 3 से 2 से हो जाएगा तो ये हो जाएगा 15, फिर इसको 3 से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब तो ये कटने वाला है, तो देखो इसमें क्या आ रहा है, कॉमन आपको 3 आ रहा है और इसमें भी 3 आ रहा है, ठीक है। तो ये और ये एक ही आ रहा है, बाकी तो कॉमन आ नहीं रहा, तो इसका जो एचसीएफ आएगा एचसीएफ जो होगा 27 और 30 का जो एचसीएफ होगा ना बच्चों वो क्या होगा 3 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, कॉमन है, हाईएस्ट कॉमन है ये, है ना, हाईएस्ट कॉमन है ना दोनों में, इसके अलावा तो कोई कॉमन है ही नहीं, तो ये हमारा एचसीएफ आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या रहा है, 28 और 56, तो 28 का पहले प्राइम नंबर निकालो, तो 2 से ये डिवाइड हो रहा है तो 14 आ जाएगा, ठीक है, 14 दुनिया 28, फिर आ जाएगा 7 आ जाएगा। अब ये कटने वाला है नहीं, फिर इसमें 2 से डिवाइड करो, 28 दुनिया 56 आ जाएगा, ठीक है, फिर इसमें 2 से डिवाइड करो तो ये 14 आ जाएगा, फिर इसको 2 से डिवाइड करो ये 7 आ जाएगा, ठीक है। तो अब चलिए हम इसको क्या करेंगे, इसका एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है ना। तो एचसीएफ क्या निकल के आएगा, कॉमन चेक करो पहले, इसमें भी 1 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है, तो 3 चीजें कॉमन है, तो 2 मल्टीप्लाई 2 इंटू 7, तो 2 दूनी 4 और 7 4 28, 28 आ जाएगा। तो इसका जो एचसीएफ होगा ना बच्चों 28 होगा, 28 और 56 का जो एचसीएफ आएगा वो क्या होगा 28 आ जाएगा। क्लियर? अच्छा अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए 19 है और 20 है, इसका तो एचसीएफ 1 ही आएगा, क्यों, क्योंकि देखो ये कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स है, तो इसका एचसीएफ 1 आएगा, बट फिर भी निकाल के देख लेते हैं, 19 तो बच्चों प्राइम नंबर ही है तो इसका तो 1 ही आएगा, ठीक है। 20 का देख लो तो ये 10, फिर इसको 2 से करोगे 5, ठीक है। तो अब इससे दोनों में कॉमन फैक्टर क्या हो रहा है, 1 ही तो आ रहा है, कुछ नहीं है तो 1 तो है ही, आप यहां तो 5 से डिवाइड कर दो तो ये 1 आ जाएगा, तो 1 इसमें भी कॉमन है, 1 इसमें भी कॉमन है, तो एचसीएफ जो है 20 और 19 का जो एचसीएफ आएगा वो 1 आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर जो होता है ना उस वो जो होता है को प्राइम नंबर्स होता है, और को प्राइम नंबर का जो एचसीएफ होता है वो ऑलवेज 1 ही होता है ना। चलो अब क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं, 60 है और 100 है, तो इसका पहले प्राइम नंबर निकालो, तो 30 आएगा, फिर 2 से करो 15, फिर 3 से करोगे तो 5 आ जाएगा। अब यहां से करोगे तो क्या होगा 50 आ जाएगा, फिर ये 2 से करोगे 25 आ जाएगा, फिर आप यहां 5 से लगाओगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है। तो अब आप देखिए यहां पे कॉमन क्या क्या आ रहा है आपको, तो पहले देखो 2 इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, ठीक है, 5 इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, 5 इसमें है बट इसमें नहीं है, 3 इसमें है इसमें नहीं है, तो वो नहीं पार्ट आएगा, तो आप लिखोगे 2 2 और 5, ठीक है। तो 2 2 4 4 5 20 राइट, 4 5 20, तो 20 क्या होगा आपका एचसीएफ निकल के आ जाएगा, यानी 60 और 100 का जो एचसीएफ आएगा वो 20 आएगा। एचसीएफ का मतलब ये होता है वो नंबर दोनों नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा, राइट, सो दैट इज द एचसीएफ। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या कह रहा है आपको, 30 दिया हुआ है, 45 दिया है और 75 दिया हुआ है, तो पहले आप 30 का प्राइम फैक्टर निकालो, तो ये आपका 15 आ जाएगा, ठीक है, फिर आप यहाँ पे 3 से लगाइए तो 5 3 15, अच्छा अब यहाँ पे देखो ये 2 से तो कटने वाला है नहीं, तो 3 से कटेगा, 15 3 45,
ठीक है, फिर थ्री से कट जाएगा तो पांच आ जाएगा। ये भी बच्चों टू से कटने वाला है नहीं, तो पंद्रह थ्री से कटेगा तो पच्चीस या पचहत्तर, ठीक है। फिर ये फाइव से कट जाएगा तो ये पांच आ जाएगा। अब आप यहाँ पे देखिए कॉमन फैक्टर आपको क्या दिख रहा है, पहले तो देखो थ्री इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो हमने ये थ्री ले लिया, ठीक है। अब फाइव इसमें भी है, फाइव इसमें भी है और फाइव इसमें भी है, तो हम फाइव ले लेंगे, तो थ्री फाइव जा फिफ्टीन आ जाएगा, है ना। तो फिफ्टीन वो नंबर है जिससे आप इसको डिवाइड करेंगे तो एग्जैक्टली डिवाइड होगा, इससे ये भी एग्जैक्टली डिवाइड होगा और ये भी एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, समझ रहे बात को। तो ये हमारा एचसीएफ होता है और ये होता है प्राइम फैक्टर मेथड से हम एचसीएफ कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर एट में। देखो एट में क्या रहा है, ट्वेल्व है, ट्वेंटी फाइव है और थर्टी सिक्स है, तो पहले इसका प्राइम फैक्टर निकालिए, तो टू से निकालेंगे इसको तो सिक्स आ जाएगा, फिर टू से करोगे थ्री आ जाएगा, फाइव से करोगे फाइव आ जाएगा, इसमें लगाओ टू से तो ये कितना आ जाएगा, थर्टी सिक्स है तो अठारह दुनी छत्तीस, ठीक है। फिर दो से लगाओ नाइन, फिर करो थ्री से थ्री। अब आप यहाँ पे देखो इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं दिख रहा है ना मुझे, तो इसलिए हमने पूरा इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है, क्योंकि वन लाना पड़ेगा, कोई तो है नहीं इसमें। चलो एक्स सी एफ, देखो टू इसमें है, इसमें भी नहीं है, इसमें है, तो तीनों में कॉमन आना चाहिए बच्चों, तब जा करके होता है। तो तीनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, वन दिख रहा है ना जी, तो आपका वन आ जाएगा, तो एच सी एफ क्या होगा, वन। यानी ट्वेल्व, ट्वेंटी फाइव और थर्टी सिक्स का जो एच सी एफ आएगा ना बच्चों, वो क्या निकल के आ जाएगा, वन आएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर नाइन में देखिए क्या रहे, फोर्टीन है, थर्टी फाइव है और फोर्टी नाइन है, राइट, तो इसका एच सी एफ निकालिए, तो टू से लगाएंगे तो ये सेवन हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको आप करेंगे सात पंचे पैंतीस, तीन से कटेगा नहीं, पांच से लगा दो, सात पंचे पैंतीस, इससे सेवन से ही कट जाएगा, तो सेवन सेवन जा फोर्टी नाइन, ठीक है, और तो किसी से कटने वाला है नहीं। तो देखो तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, सेवन ही आ रहा है, तीनों में कॉमन सेवन आ रहे हैं ना जी, तो इसका जो एच सी एफ होगा ना, एच सी एफ जो होगा वो क्या निकल के आ जाएगा, सेवन आ जाएगा, है ना। तो सेवन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्लियर। अच्छा अब क्वेश्चन नंबर टेन देखिए, क्वेश्चन नंबर टेन में क्या कह रहा है, एटी सिक्सटी फोर और एटी है, तो इसका पहले हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे, तो पहले टू से लगाओ तो नाइन आ जाएगा, फिर इसको करोगे तो थ्री आ जाएगा, ठीक है। इसको टू से लगाओ तो बत्तीस दुनी चौसठ, ठीक है, फिर टू से लगाओ तो सोलह दुनी बत्तीस, फिर दो से लगाओ तो आठ, फिर दो से लगाओ तो चार आ जाएगा, फिर दो से लगाओ तो दो आ जाएगा, ठीक है। अब अस्सी का करो तो दो से करोगे तो कितना आ जाएगा, चालीस हो जाएगा, फिर दो से लगाओगे तो कितना होगा, ट्वेंटी, फिर दो से लगाओ तो कितना आ जाएगा, टेन आ जाएगा, फिर दो से लगाओ तो फाइव आ जाएगा, अब इससे फाइव से लगाओ तो वन आ जाएगा। अब आप यहाँ पे देखें सिक्स हमारे पास क्या है, एटीन है, ठीक है, और सिक्सटी फोर इतना, तो देखो टू इसमें भी है, टू इसमें भी है, टू इसमें भी है, तो एक तो कॉमन टू आ गया, ठीक है। अब आप इसमें देखिए थ्री कहीं है ही नहीं, इसमें भी नहीं है, तो हमारा टू ही एच सी एफ बनेगा, क्या बनेगा, टू ही एच सी एफ बनेगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है बी पार्ट में भी टेन क्वेश्चन दे रखा था, टेन क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अच्छा अब देखिए सी पार्ट में क्या दिया हुआ है बच्चों, सी में फाइंड द एच सी एफ बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो अभी हमने फैक्टर मेथड सीखा, कैसे फैक्टर मेथड से एच सी एफ निकालते हैं, प्राइम फैक्टर सीखा कि कैसे निकालते हैं, अब हम सीखने जा रहे हैं कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैसे हम एच सी एफ निकालते हैं। तो देखो 16 और 20 है, तो 16 और 20 में जो बड़ा नंबर होता है ना, उसमें हम छोटा नंबर से डिवाइड करते हैं, तो चलिए हम करके आपको दिखाते हैं। तो देखो बिगर नंबर ये है, स्मॉलर ये है, तो छोटा नंबर से बड़ा नंबर में डिवाइड करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 16 वन टाइम्स आ जाएगा, ठीक है, यहाँ 4 आ जाएगा, अब यहाँ लिख देंगे 16, तो 4 4 जा 16, तो ये हमारा कैंसिल हो गया, तो ये हो गया जीरो, कट गया। तो जो एच सी एफ आया ना, जो ये नंबर लास्ट में जिस नंबर से कटता है ना बच्चों, वो हमारा एच सी एफ आता है, तो एच सी एफ क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब इसका सेकेंड में देखिए 48 है और 68 है, तो बड़ा नंबर ये है, छोटा नंबर ये है, तो बड़ा नंबर में हम क्या करेंगे, छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं, तो 48 वन टाइम्स लगाओ इसमें, तो 48 लग गया,
जीरो और ये टू आ गया। ठीक है, अब देखो ये नंबर यहां पे आ जाएगा। अब यहां पे 22 लगाओगे तो 40 आ जाएगा, अब यहां 8 आ जाएगा, अब यहां पे क्या होगा, ये 20 नंबर यहां पे आ जाएगा। ये प्रोसेस चलता रहेगा बच्चों जब तक जीरो नहीं आया। ठीक है, तो 8 दूनी 16, तो यहां पे हमने 16 लिखा है, फिर यहां पे 4 आ जाएगा और यहां पे 8 आ जाएगा, तो 4 2 8, देखो ये कैंसिल हो गया तो ये कट गया। तो इसका जो SF आया, SF जो आया बच्चों, इसका भी SF 4 ही आया। क्यों? क्योंकि देखो ना 4 से एग्जैक्टली कट गया ना, तो लास्ट में जिस नंबर से कटता है ना बच्चों, वो हमारा क्या होता है, HCF होता है। क्लियर। चलिए अब यहां पे देखिए 35 और 95, तो 95 बड़ा नंबर है और 35 छोटा है, तो 35 से इसको डिवाइड करेंगे तो 35 टू जा 70 आ जाएगा, यहां आ जाएगा 5 और यहां आ जाएगा 2। अब देखो 25 से हम डिवाइड करेंगे 35 में, तो यहां पे 35 लिखेंगे तो यहां पे 25 आ जाएगा, यहां हो जाएगा 0, यहां हो जाएगा 1। ठीक है, अब यहां पे 25 लिखेंगे और यहां पे 2 टाइम्स आ जाएगा 20, फिर 5 और ये हो जाएगा 10, तो 5 2 10, तो ये कैंसिल, ये हो गया 0। ठीक है, तो जो HCF निकल के आया आपका, वो क्या निकल के आ गया, 5 आ गया, क्योंकि 5 से ये एग्जैक्टली कट रहा है, तो 5 आपके HCF आ जाएगा। अब देखो ये आपको 98 दिया हुआ है और ये 78 दिया हुआ है, तो 98 में हम 78 से क्या करेंगे बच्चों, डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो देखो 78 वन टाइम्स लगेगा, तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 2। ठीक है, अब यहां पे 78 आ जाएगा, तो यहां पे 3 टाइम्स लगाओगे तो 3 जा 60, यहां पे 18 आ जाएगा। अब यहां पे क्या लिखेंगे, 20, और 20 को 18 वन टाइम्स लगाओगे तो ये आ जाएगा 2, फिर यहां पे 18 आ जाएगा, तो यहां पे 9 टाइम्स में कट जाएगा, क्या होगा, 9 टाइम्स में कटेगा, है ना, तो ये आ जाएगा आपका हमारा 0, कैंसिल आ जाएगा। तो जो HCF आया ना, वो क्या निकल के आ जाएगा हमारा, 2 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 से ये जो नंबर है ना एग्जैक्टली कट रहा है, 2 से क्या हो रहा है एग्जैक्टली ये नंबर क्या हो रहा है, कट रहा है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, 65 है और 135 है, तो बड़ा नंबर ये है छोटा नंबर ये है, तो बड़ा नंबर में हम क्या करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे, तो 135 में क्या करोगे, 65 से डिवाइड करो, तो देखो 2 टाइम्स अगर लगाओगे तो क्या हो जाएगा, 15 2 30, यानी लग जाएगा 2 टाइम्स में अगर आप करते हो, तो देख लो 65 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 5 2 10 है ना, ठीक है, 6 2 12 1 13 130 आता है, तो 135 30 लग जाएगा। ठीक है, तो ये 5 आ जाएगा, बाकी कैंसिल हो जा रहा है, तो यहाँ पे 65 आ रहा है, तो 13 5 65 तो 13 आ रहा है ना, 13 5 65 तो ये कट रहा है। ठीक है, 5 से कट रहा है ना जी, इससे 13 5 65 कट रहा है, तो 5 आ जाएगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं जो HCF आएगा ना, वो क्या निकल के आ रहा है, 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, HCF जो है वो 5 निकल के आ जाएगा, 13 5 65 यानी 5 निकल के आ जाएगा। तो आई होप आपको ये जो बच्चों एक्सरसाइज 3.3 था, जिसमें तीनों मेथड मैंने आपको समझाया कि फैक्टर मेथड से कैसे HCF निकालेंगे, प्राइम फैक्टर मेथड से कैसे निकालेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैसे HCF निकालेंगे, और तीनों के बेसिस पे आपको लॉट्स ऑफ एग्जांपल भी करवाया मैंने, और आपको ये जो प्रैक्टिस एक्सरसाइज दे रखा था ये भी मैंने आपको कंप्लीट करवाया। तो आई होप आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ गया। इन एक्सरसाइज को बच्चों एक दो बार आप जरूर प्रैक्टिस करना, जिससे कि आप इसमें परफेक्ट हो जाओ, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना हायर क्लासेस में आपको देखने को मिलता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।